हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। तो गाइज, आज हम एक और बहुत अच्छा रिव्यू आपके लिए लेके आ गए हैं, वो है पेपर क्राफ्ट चॉपिन का। तो गाइज, यहां पे जो आप तो पेन्स देख रहे हैं, ये पेपर क्राफ्ट सीरीज के पेन्स है ना। तो आप सोच रहे होंगे पेपर क्राफ्ट क्या है, तो जैसे क्लासमेट आप सबने सुना होगा, ITC का ये ब्रांड है। सिमिलरली पेपर क्राफ्ट भी ITC का ही ब्रांड है ना। इसकी जो सीरीज है ये बेसिकली थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है एज कम्पेयर टू क्लासमेट, है ना। क्लासमेट जो हमारी चीज़ें हैं वो डेली यूज की चीज़ें बनाता है, एंड पेपर क्राफ्ट है वो थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है गाइज, है ना। तो पेपर क्राफ्ट की जो पेन्स की सीरीज है वो यहाँ से चालू होती है, विच इज गाइज फ्रॉम चॉपिन। तो ये जो पेपर क्राफ्ट की चॉपिन सीरीज है, इसके आगे थोड़े और भी सीरीज आती है, जैसे बिथोवन एंड मोजार्ट, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना क्या होती है। तो ये बेसिकली गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी और भी सीरीज है प्रीमियम बैंड की, है ना। आप अगर बोलेंगे तो मैं इन पे भी रिव्यू बना दूंगा, ठीक है। तो ये आगे की सीरीज है, आज हम आपके लिए जो स्टार्टर सीरीज है ना, जो बेसिकली इनका सबसे सस्ता पेन मुझे मार्केट में मिला, विच बॉस पेपर क्राफ्ट का चॉपिन, वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, है ना। एंड इस रिव्यू में हम देखने वाले हैं गाइज कि क्या ये पेन, इसका जो प्राइस है ना 150 रुपीज़ इसका MRP है, क्या ये उसके वर्थ इट है कि नहीं गाइज, है ना। एंड साथ ही साथ बोल दूँ थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, नीचे उस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमको इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज। तो बढ़ते हैं रिव्यू के साथ। तो भाई, हमारे पास ये जो पेपर क्राफ्ट सीरीज का पेन है विच इज चॉपिन, इसमें हम काफी सारे टेस्ट करके देखने वाले हैं। हम देखेंगे गाइस कि क्या ये स्मच तो नहीं होता है, इसकी स्मूथनेस कैसी है, क्या ये पेन वाटर प्रूफ है, पानी डालने पे कहीं ये फैल तो नहीं जाएगा, क्या इस पे हाईलाइटर स्मच तो नहीं करेगा गाइस, है ना। हाईलाइटर से भी हम इस पे यूज़ करके देखेंगे, हाइलाइटर को देखेंगे कहीं है हाईलाइटर स्मियर तो नहीं होता, स्मच तो नहीं होता कहीं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, नीचे टाइमलाइन आपको दिख रहा होगा, आप अपने स्पेसिफिक पोर्शन पे जंप भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा पूरा वीडियो देखिए, आपको मज़ा आने वाला है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की गाइस। तो ये जो पेन है यहाँ पे, जो चॉपिन आपको दिख रहे हैं गाइस, इनका जो प्राइस है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे MRP यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा MRP गाइस इसकी है 150 रुपीज़, एंड ये आपको दो बेसिकली टेक्सचर्स में मिल जाता है। यहाँ पे मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं गाइस, ये वाला जो है ये मैट ब्लैक एडिशन है, एंड ये जो दूसरा वाला आप देख सकते हैं ये मैट ग्रे एडिशन है। यहाँ पे मैं पीछे दिखा देता हूँ गाइस आपको, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पीछे थोड़ी सी और डिटेल है, उनको हम ध्यान से देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7 mm का स्टेनलेस स्टील टिप है, देन वी हैव प्रीमियम मैट फिनिश। डेफिनेटली गाइस दोनों जो पेन है ना, मुझे स्पेशली इसलिए पसंद है, एक तो ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैट ब्लैक कलर में आता है, ठीक है, एंड ब्लैक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस एंड ट्विस्ट मैकेनिज्म। ओके, तो ये बेसिकली ट्विस्ट करके खोलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कलर वेरिएंट्स में आता है, विच इज मैट ग्रे एंड मैट ब्लैक। तो पर्सनली आप मुझे गाइस कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपका फेवरेट कौन सा है, मैट ग्रे या मैट ब्लैक, ठीक है। ओके, तो जल्दी से इनको अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देखते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है मेरा कटर, यहाँ पे हमारे पास एक कटर है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ओके गाइस, तो फाइनली हमने इनको अनबॉक्स कर लिया है, मैं पीछे की पैकिंग रिमूव कर देता हूँ, एंड हमें गाइस देखने को मिलता है कुछ ऐसे बॉक्स। देखिए पहला वाला जो ब्लैक है, मैट ब्लैक, वो आ गया है। देन गाइस यहाँ पे ग्रे वाला भी मैंने अनबॉक्स कर लिया है, उसको भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ गाइस। तो ये आ गया है हमारा ग्रे वाला वर्जन, इनकी पैकिंग तो रख देते हैं साइड में गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो दोनों ही पेन यहाँ पे अनबॉक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं गाइस, हमने इनको अनबॉक्स कर लिया है। इनकी पैकिंग मैं आपको बताता हूँ कुछ इस टाइप की गाइस, ये प्लास्टिक बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको ओपन किया तो ये जो पेन है ये काफ़ी फर्मली से लगा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा एक वेलवेट देखने को मिलता है ना। और इसको मैं निकालता हूँ, ओ माय गॉड, तो इसका जो पेन का इन हैंड फील है ना, मतलब अभी तो बस ये मेरे हाथ में आया ही है, एंड आप थोड़ा सा इसको पहले देखिए गाइस, ये पेपर क्राफ्ट यहाँ पे गोल्डन एक्सेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एंड मैट फिनिश, यार मैट फिनिश इज वेरी कूल गाइस, बहुत ही प्यारा है। एंड इसको आपको ट्विस्ट करना पड़ता है, आप ऐसा ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है, इसका रिफिल। तो गाइज काफ़ी प्रीमियम, डेफिनेटली गाइज इसका जो प्राइस है ना 150 रुपीज़ का जो है, मुझे बेसिकली ये पेन 135 रुपीज़ में पड़ा था। तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी में तो मैं कहूँगा यार प्राइस जस्टिफाइड मुझे अभी तो लग रहा है गाइज, है ना। तो अनबॉक्स कर लेते हैं ग्रे वाले को भी, तो ये ग्रे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसको खोलते हैं। ओके, सब कुछ सेम ही है, और इसको निकालते हैं। अगेन गाइज पेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छा, वेट है पेन के पास, ज़्यादा हैवी नहीं है, है ना, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बट परफेक्ट वेट है, मतलब जितना होना चाहिए प्रीमियम पेन से। और यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, ये कुछ ऐसा दिखता है,
यहाँ पे भी अगेन गोल्डन एक्सेंट में लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे वी हैव अ मैट ग्रे कलर, है ना। यहाँ पे देखिए दोनों को मैं आपको साथ में दिखाता हूँ गाइज, कि आप दोनों का साथ में कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों कैसे लगते हैं। तो गाइज ऑन द टॉप वी हैव मैट ब्लैक, ऑन द बॉटम वी हैव मैट ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों पेंस को साथ में देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी प्रीमियम पेंस लगते हैं गाइज दोनों। कलर कौन सा ज़्यादा बेटर है? तो गाइज डेफिनेटली यार इस बार तो मुझे ना यार जनरली मैट ब्लैक मैं पसंद करता हूँ, बट मैट ग्रे जो है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। आप ये दोनों को साथ में देख सकते हैं, है ना। तो गाइज दोनों पेंस काफ़ी अच्छे लगे बिल्ड क्वालिटी में, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं डेफिनेटली गाइज फॉर 150 रुपीज बिल्ड क्वालिटी मेटालिक है पूरे पेन, आई वुड गिव देम 5/5, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगी गाइज, है ना। यहाँ पे आप इनको फिर से देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोनों पेन्स का। अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे जो क्लिप आपको मिलता है ये भी गाइज मेटल का है ना, कहीं पे भी कंजूसी नहीं की गई है पेपर क्राफ्ट के द्वारा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में को यहाँ पे दिख रही है हर चीज़ में। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, एवरीथिंग इज मेटल गाइज, ठीक है। सवाल उठता है क्या ये पेन रिफिल हो जाते हैं कि नहीं गाइज, तो इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। उनको ओपन करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, है ना। इसको आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंड ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको रिफिल देखने को मिल जाती है गाइज, रिफिल को आपको खींचना नहीं है, रिफिल को आपको घुमाना है, है ना। इसको आपको गाइज ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो ये आपने इसको घुमाया एंड घुमाने के बाद ये इसमें गाइज ऐसी रिफिल देखने को मिल जाती है। रिफिल का मॉडल है व्हाट आई कैन सी इज B21, इस पर लिखा हुआ है ना। इसका जो रिफिल था गाइज, इसमें बस मुझे एक चीज़ लगी, इसकी रिफिल की अवेलेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम मिली, रिफिल मुझे मिल रही थी, क्योंकि पेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है यार। पेन को तो आप ना गाइज डेफिनेटली कई सारी ख़त्म भी हो जाती ना, तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि मेटालिक पेन है पूरा, ये डिग्रेड नहीं होगा टाइम के साथ, डेफिनेटली बहुत अच्छी क्वालिटी है पेपर क्राफ्ट की। बट इसकी जो रिफिल थी, तो इफ पेपर क्राफ्ट यू आर लिसनिंग, तो इसकी रिफिल प्लीज़ अवेलेबल करा इन मार्केट, तो काफ़ी बार यूज़ हो पाएगा ये। तो इसको गाइज मैं वापस लगा लेता हूँ, ये इसकी रिफिल थी। काफ़ी लोगों ने हमसे बोला था आप रिफिल भी दिखाएं जब भी अनबॉक्स करें, तो दिस वॉज द रिफिल। यहाँ पे भी मेटालिक सेक्शन है इसको, देन आपको देन यहाँ पे एक रिंग है, इसको डाल देता हूँ एंड इसको आपको वापस ऐसा लगा देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वापस हमारा काम कर रहा है। तो गाइज इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी की ओवरऑल हम बात करें गाइज, इस पेन की जो दोनों पेन्स की बिल्ड क्वालिटी है ना गाइज, इट इज़ जस्ट एक्सेलेंट। मैं क्या बोलूँ, बहुत ही प्यारी बिल्ड क्वालिटी थी, दिल खुश हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, देखते हैं पेन स्मूथ है कि नहीं। तो गाइज अब हम टेस्ट कर लेते हैं पेन की स्मूथनेस, पेन कितना स्मूथ चलता है। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक नोटबुक आ गई है ना, आप देख सकते हैं इसको मैंने गाइज यहाँ पे ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट करके इसकी ये निब बाहर आई। ठीक है, अब हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, हेलो एवरीवन, ओके। तो मैं कहूँगा गाइज डेफिनेटली ना काफ़ी स्मूथ पेन मुझको यहाँ पे लगा, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ठीक है, मैं लाइट हैंड से लिख के देखता हूँ। सब्सक्राइब टू स्टूडेंट यार्ड। तो गाइज डेफिनेटली यार पेन तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, चलने में मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसका स्मज टेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ इसे लिख के देखते हैं गाइज। स्मज ओके, एंड गाइज बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ यार, ये बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट सा स्मज है, मतलब दिख भी नहीं रहा है, इतना कम स्मज है। ठीक है, इसका 0.7 mm का निप साइज है, तो ज़्यादा थिक स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको इसी रेंज के एक और पेन से कंपेयर कर देता हूँ गाइज, विच इज़ हमने इसका जस्ट अभी रिव्यू किया था, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में देख सकते हैं, यूनिबॉल जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो गाइज इसका प्राइस भी अराउंड 100 रुपीज़ ही है। ठीक है, एंड इसमें यूनी का सुपर इंक आता है, तो मैं यहाँ पे आपको साथ में लिख के दिखा देता हूँ कि ये कैसा चलता है इसके साथ में, है ना। तो इसका बेसिकली आई थिंक स्ट्रोक थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो इससे भी लिखता हूँ हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पेन 0.7 है, बट यहाँ पे जो यूनिबॉल का हमारे पास पेन है गाइज वो थोड़ा सा ना डार्क स्ट्रोक मुझे लगा बस। सब्सक्राइब ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, दोनों पेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाला जो पेन है ये वाला थोड़ा सा लाइट है, एंड ये वाला यूनिबॉल का थोड़ा सा डार्क था। ठीक है, बाकी चलने में गाइज जो पेन था डेफिनेटली पेन बहुत स्मूथ मुझको लगा, एंड स्मज की बात करें तो गाइज पेन स्मज भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो अगेन अ प्लस पॉइंट। ठीक है, अब गाइज बात कर लेते हैं
पेन के हाइलाइटर टेस्ट की, क्या हाइलाइट करने पे कोई दिक्कत आती है कि नहीं। तो गाइस हाइलाइटर टेस्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे आज दो हाइलाइटर मौजूद हैं, ठीक है। एक हम मेरे पास बहुत ही बेसिक हाइलाइटर विच इज आर्ट लाइन हाइलाइटर, 100 रुपीज का पैक आता है 5 का, एंड एक बहुत ज्यादा प्रीमियम हाइलाइटर का पैक मौजूद है विच इज कुकियो का मार्क प्लस, है ना। तो इसका जो प्राइस था अराउंड 1000 रुपीज था। ये स्पेशल है थोड़ा सा हाइलाइटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्पेशल है, ठीक है। बेसिकली इसमें यहाँ पे इस टाइप के दो, एक ही हाईलाइटर के अंदर सर दो डिवीजन है, तो आप डबल हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे तो उसका भी रिव्यू बना देंगे, ठीक है। तो इनसे हाईलाइट हम देख करके देखने वाले हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, तो इनको रखते हैं साइड में, करते हैं हाईलाइट। तो भाई सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं, हमारे पास हमारा जो आर्ट लाइन का हाईलाइटर है ना, लाइट पिंक कलर में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड एज सच मुझे कोई स्मच देखने को नहीं मिला है गाइस, है ना, कोई भी स्मच देखने को मुझे या स्मियरिंग देखने को नहीं मिली है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द मार्क प्लस हाईलाइटर, या कितना प्रीमियम फील आता है इसको पकड़ने में, एकदम लाइट सा, ठीक है। तो इनको भी हाईलाइट करके देखते हैं इससे भी गाइस। तो ओके, थोड़ा सा पेस्टल कलर, हल्का सा लाइट कलर है, ठीक है, तो डेफिनेटली हाईलाइट हुआ। मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ करता हूँ उसका, तो ओके ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हुआ है, है ना, एंड कोई भी इशू मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से गाइस दोनों पेंस ने हाईलाइट किया है, एंड किसी भी तरह का मुझे स्मियर देखने को नहीं मिला है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ उसे लिख के रेडीली हाईलाइट कर दूंगा, फिर हमको देखने को मिलती है कि नहीं दिक्कत, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, हे जल्दी से लेते हैं, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डार्क करके देखता हूँ कब तक नहीं होता है। तो गाइस डेफिनेटली यार मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ इंक डाल दी, इवन पेपर भी थोड़ा सा फूल गया, तब भी यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का स्मज देखने को हाईलाइटर के कारण नहीं देखने को मिला है ना। तो गाइस डेफिनेटली पेन की जो इंक है काफ़ी अच्छी है, हाईलाइट करने पर भी फैलती नहीं है, तो पेन हमारा हाइलाइटर टेस्ट में भी पास होता है। तो गाइस इन द एंड बात कर लेते हैं पेन के वाटर प्रूफिंग की। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए हमने यहाँ पे बेसिकली टिश्यू लिया था, उस पर हमने यहाँ पे पेपरक्राफ्ट चॉपिन से भी लिखा था एंड यूनिबॉल जेट स्ट्रीम से भी लिखा था, ठीक है, उसमें यूनि सुपर इंक है, ठीक है। तो उसको हमने वेट कर दिया एंड गाइस काफ़ी देर तक गीला रखा है ना, काफ़ी तक एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग करी, एंड इवन उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई हो गया है, फिर भी पेन फैले नहीं है। यूनिबॉल जेट स्ट्रीम का तो आप पहले भी देख चुके हैं, पेपरक्राफ्ट भी काफ़ी अच्छे से टिका रहा है चॉपिन, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा ये पेन ना तो ज़्यादा लाइट हुआ है ना ज़्यादा यहाँ पे फैला है। तो गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला। काफ़ी सारे पेन थे गाइस जो कि ना फैल जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास पुराने वाला भी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस ये देखिए, तो काफ़ी सारे यहाँ पे पेन थे जो फैल जाते हैं, ठीक है, पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर। ऐसा नहीं है कि पेन नहीं फैल, बॉल पेन नहीं फैलते, वो भी फैलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि ये काफ़ी अच्छे से टिका रहा है चॉपिन, एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ पे वाटरप्रूफिंग में भी देखने को मिल गया है गाइस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं मैं फाइनल वर्डिक्ट की ओर कि क्या ये आपको पेन लेना चाहिए। तो गाइस अब हम आ गए हमारे वीडियो के एंड में, अब हम आपको बताने वाले हैं हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आपने पूरा रिव्यू देख लिया है। एंड गाइस वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो गाइस आप हमसे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो DM अस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्टूडेंट यार्ड। वहाँ पे काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन्स एंड गाइस पेन की अनबॉक्सिंग से होने वाले पहले जितने भी हम काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं, क्या हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे हम नहीं डाल पाते, ठीक है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है। एंड गाइस फाइनल वर्डिक्ट से पहले यार सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही दिया होगा, मुझे पता है आप लोग ना मतलब सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, एंड कमेंट जो आप करते हैं ना यार कि यू आर रियली एंजॉइंग द कंटेंट, ये सुन के ना मुझे काफ़ी मोटिवेशन आता है कि यार और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो इसी तरह गाइस सब्सक्राइब करते रहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि सबसे अच्छा स्टेशनरी कंटेंट ना यार आपको हर चीज़ हम आपको स्टूडेंट यार्ड पे यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो फाइनल वर्ड क्या है, आपको ये जो चॉपिन है इसको लेना चाहिए कि नहीं। तो गाइस डेफिनेटली यार देखो इसका जो प्राइस है ना 150 रुपीज में, तीन चार चीज़ें मेन होती है, मेन सबसे प्राइमरी होती है बिल्ड क्वालिटी, देन होता है गाइस स्मूथनेस, ठीक है, उसके सबसे पहले है बिल्ड क्वालिटी, देन वी हैव स्मूथनेस, देन वी हैव हाइलाइटर टेस्ट, वाटर प्रूफिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जो मेन होती हैं किसी भी पेन के लिए, एंड लास्ट सबसे मेन जो चीज़ होती है दैट इज़ प्राइस। तो गाइस ये चॉपिन एक ऐसा पेन है ना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मतलब
125 रुपीज़ में गाइज, अभी मेरे पास और भी सीरीज़ हैं जैसे कि सेलो की सिग्नेचर सीरीज है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है ना, इट इज़ ब्रिलियंट यार। मतलब बिल्ड क्वालिटी इज़ जस्ट ब्रिलियंट यार, बहुत ही अच्छा मेटालिक फिनिश है, एवरीथिंग इज़ मेटालिक है, प्योर मेटल है, ठीक है। एंड गाइज दूसरी मैं चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो स्मूथ था पेन, काफ़ी स्मूथ लगा मुझे, हाइलाइटर से भी कोई दिक्कत नहीं आई, वाटर प्रूफिंग मैंने टेस्ट करी वो भी काफ़ी अच्छी थी। गाइज इस पेन का सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप चाहते हैं ना प्रीमियम पेन लेना, तो डेफिनेटली आप इस पेन को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल है ना, तो मतलब दिस पेन इज़ इक्वली गुड फॉर प्रोफेशनल एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। मतलब आप इसको बॉक्स में से निकालेंगे ना, तो काफ़ी एक आप देखिए अप मार्केट लुक आता है, काफ़ी प्रीमियम है। इस पेन का जो काफ़ी सारे प्रोज हैं, पर जो कॉन मुझे लगेगा, इस कॉन मुझे लगे कि इसकी जो रिफ़िल है, इसकी रिफ़िल की अवेलेबिलिटी मुझे बहुत कम मिली। मतलब कम क्या, मुझे इसकी रिफ़िल मिली ही नहीं, ठीक है। आप में से किसी को मिलती है तो बताएं, ठीक है। इसकी रिफ़िल नहीं मिलती, क्योंकि गाइज ये जो पेन है ना, डेफिनेटली इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी, कई बार रिफ़िल डाल के कई बार यूज़ हो जाएगा। बट आई डोंट नो पेपर क्राफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट भी है, काफ़ी अगर मैंने चेक किया, इसकी रिफ़िल की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी। और मैं आपको फ्यूचर में इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर किसी दूसरे रोलर बॉल की रिफ़िल इसमें डाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं श्योर नहीं हूँ कि और कोई थर्ड पार्टी रोलर बॉल रिफ़िल आती है कि नहीं, बट पेपर क्राफ्ट की जो ऑफिशियल रिफ़िल्स हैं वो मुझे देखने को अभी तक तो नहीं मिली, फ्यूचर में मिलती हैं तो आई विल अपडेट यू ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो गाइस बाकी इस पेन में कोई भी कॉन नहीं है, बहुत ही प्रीमियम पेन है, बहुत ही अच्छा पेन मुझे लगा। 150 के MRP है एंड अराउंड 135, 138, 125, बेसिकली अराउंड 140 के रेंज में आपको ये चीज़ देखने को, ये पेन देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली हमारी तरफ से गाइज ये पेन एक मस्ट हैव है, ठीक है। आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं अगर आप एक प्रीमियम पेन चाहते हैं। अगर आपको एक गिफ्टिंग पेन चाहिए ना, तो बहुत ही प्रीमियम ऑप्शन है, जिसको आप देंगे खुश होने वाला है, वो डेफिनेटली खुश होने वाला है, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। तो गाइज ये वीडियो के लिए तो इतना ही, गाइज आगे वाले वीडियो में हम क्या लाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज हमेशा की तरह। तो गाइज पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पेपर क्राफ्ट की हमारे पास सारी रेंज मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं। पेपर क्राफ्ट के बेसिकली मोजार्ट बिथोवन के दो पेन आते हैं, ये भी है। अगला रिव्यू मैं कोशिश करूंगा आपको इन पे लेके आ जाऊं, ठीक है। अगर हमारे जैसे ही 250 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इनका रिव्यू जल्द से जल्द आपको लेके आऊंगा। और इसके बाद भी आप देखिएगा इस सेलो की जो सिग्नेचर सीरीज आती है, ये उल्टी है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास गई सेलो के सिग्नेचर सीरीज के काफी सारे पेन हो गए, ठीक है। जो इंडल्ज है हमारे पास, देन वी हैव मूनलिट, इसके बाद हमारे पास है लेगेसी, देन वी हैव ईथोस, देन वी हैव कार्बन, ठीक है। और उसके पास वी हैव प्रीम, ठीक है। तो ये जो सारे पेन्स हैं ये सिग्नेचर सीरीज़ के, जैसे यहाँ पेपर क्राफ्ट की सीरीज थी, यहाँ पे हमारे पास सेलो की सिग्नेचर सीरीज़ है, ठीक है। वही प्राइस अराउंड 100 इनका रहता है, 100-200 के अराउंड इनका प्राइसिंग रहता है। और इसमें बेसिकली गाइस ये वाला जो पेन है ना, जो कार्बन पेन है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा चॉपिन जैसा लगा है ना। तो डेफिनेटली गाइज अगर आप बोलोगे तो इसका और चॉपिन का वर्सेस भी करा देंगे, इनका आपस में कंपटीशन, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, कमेंट करते रहिए, जो भी दिक्कत है आप नीचे पूछ सकते हैं। एंड अपना फीडबैक अगर आपने ये पेन यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर दीजिए, वो कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।